ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ली जाने वाले ट्रायल में हो रही अनियमितताओं के चलते आज इंद्री हलके के कई गांवों के लोगों ने अनाज मंडी में हंगामा खड़ा कर दिया। ये सभी लोग ट्रायल में बिना वजह लोगों को फेल करने के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे थे। आज अनाज मंडी में एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों का ट्रायल लिया जा रहा था। इस मौके पर देसी स्टाइल से रोड सिग्नल रखने की जगह ईंटों को प्रयोग में लाया जा रहा था। इन ईंटों की वजह से आवेदकों को कार चलाने में दिक्कतें आ रही थी और कार्यालय के अधिकारी उनको ट्रायल में फेल कर रहे थे। इस बात से लोगों में नाराजगी थी। उनकी मांग थी कि ईंटों की जगह से कार चलाने में दिक्कत आ रही है और इसकी जगह पर रोड सिग्नल या खाली ड्रम रखे जाए। लोगों का कहना था कि कार चलाते समय ये छोटी ईंटें नजर नहीं आती है। लोगों की नाराजगी के चलते एसडीएम राजेश पुनिया ने मौके पर पहुंचकर उनकी बात को सुना। मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम ने कहा कि सभी कार्य नियमों के अनुसार हो रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। रोड सिग्नल न होने की वजह से लोगों को दिक्कत आई है, रोड सिग्नल मंगवाए गए हैं, आने पर लगा दिए जाएंगे। जो रूल आने बिल्कुल गलत हो रहे, इंट इंट भाई हमारा दिखता नहीं है बिल्कुल भी, प्यारे दिखते हैं, सबको फैल करते हैं, तीन चार तक हो गए सब, गड्डी चलाने लग रहे, 20-20 साल गड्डी चलाने लग रहे हम, सड़क पर किंग ही चलो वाला मर्जी है गड्डी, दो तीन बार दिल्ली जाते हैं जी, चंडीगढ़ जाते हैं हम, वहाँ गड्डी चलवाओ, ये क्या रूल है, रूल भी नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल गलत रूल कर रखे हैं। क्या दिखते नहीं है बिल्कुल, बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा बैग में उतनी बैग में करने में दिक्कत है बहुत ज्यादा जी। अब जिनको सुन रखिए पहले नियम के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है, जो हमारे नियम है ड्राइविंग जो लाइसेंस बनाने के टेस्ट के उसको फॉलो किया जा रहा है, वीडियोग्राफी में काम हो रहा है, यहाँ तो पब्लिक को किसी को तकलीफ नहीं, सभी कह रहे हैं सभी देने के लिए कहा, तो कुछ इनका लाए गए हैं इक्विपमेंट है वो मंगवा रखे हैं, जैसे वो आएंगे।